हाय व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे लेजर की। हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि लेजर क्या होता है, कितने तरह का होता है और कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वीडियोस को आप देखिए, पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इन वीडियोस के बारे में बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज उनको हो सके। और कोई क्वेरीज हो तो उसको जरूर प्लीज कमेंट के द्वारा सेंड कीजिए, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। कुछ अच्छे कमेंट्स हैं तो बिल्कुल हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते जाएं। तो चलिए हम बात करते हैं आप अपने लेजर की। तो लेजर का फुल फॉर्म सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि लेजर क्या होता है। तो लेजर के फुल फॉर्म की यदि हम बात करते हैं तो लेजर हमारा होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन, बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो हम यहाँ पे फुल फॉर्म यदि हम इसको डिटेल स्टडी करते हैं फुल फॉर्म की, तो उसमें लिखा है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यहां पर लाइट का एम्प्लीफिकेशन होगा, लेकिन लाइट के एम्प्लीफिकेशन होने से पहले उसका प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन किससे होगा? स्टिम्युलेटेड एमिशन मेथड से होगा, और फिर उसके बाद लाइट रेडिएट होगी। मीन्स हमारे पास यहाँ पे तीन प्रोसेस हो रहे हैं, एक एम्प्लीफिकेशन, एक स्टिम्युलेटेड एमिशन और हमारा रेडिएशन। पर लाइट किससे प्रोड्यूस हो रही है? बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन। तो हमारा जो जो स्टिम्युलेटेड एमिशन पार्ट है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच लेजर इज बीइंग वर्किंग। तो जो हमारे लेजर का सिद्धांत है वो है स्टिम्युलेटेड एमिशन। स्टिम्युलेटेड एमिशन क्या होता है, ये हमें डिटेल में पता होना चाहिए, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास ये जो लाइट का एम्प्लीफिकेशन हुआ है और लाइट का प्रोडक्शन में स्टिम्युलेटेड एमिशन होगा, फिर उसके बाद लास्ट में लाइट जो होगी वो रेडिएट होगी। तो सबसे पहले प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद उसको एम्प्लीफाई करेंगे और फिर रेडिएट करेंगे। और रेडिएट करेंगे तो हमारे पास ये इसकी प्रॉपर्टी जो है लेजर की वो फुलफिल होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है लेजर की। सबसे पहला लेजर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें, लेजर हमने खेला भी है बचपन से, हम खेलते हैं। एक पॉइंटर हमने लिया है, उस पॉइंटर को जब हम पॉइंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी हम वॉल पे जब हम उसको पॉइंट करते हैं, तो क्या होता है उसमें जो भी इमेज सामने बनी हो वो हमारा सीधा जाके दीवार पे बन जाती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट इस लाइट ट्रेवलेंस ऑफ लेजर के और दीवार के बीच में आ जाए तो भी हमारे पास जो लाइट है या उसकी जो भी इमेज प्रोड्यूस हो रही है वो उस ऑब्स्टिकल पर बन जाती है। मतलब क्या है कि लाइट उस ऑब्स्टिकल से टकरा के दूसरी तरफ नहीं जाती है। मीन्स वो कैसी है, हमारे पास टकरा के डाइवर्ट नहीं होती है। तो हमारे पास ये इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज नॉन डाइवर्जेंट, कि आपकी जो लेजर बीम है वो नॉन डाइवर्जेंट है, डाइवर्ट होके कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट में उसकी इमेज बन रही है, उसके बीच में यदि कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो भी उसकी इमेज उस ऑब्स्टिकल पर बनेगी। अब जो लेजर बीम हमारे प्रोड्यूस हो रही है, हमने सभी ने देखा है कि कैसी होती है। एक सिंगल कलर की लाइट होती है, वो चाहे रेड हो जाए, चाहे ग्रीन हो जाए, चाहे येलो हो जाए, और ये चीज हमने देखी है। तो सिंगल मीन्स मोनो, किस तरह की होगी? सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है, जिसे हम कहते हैं मोनोक्रोमैटिक। तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई, मोनोक्रोमैटिक। तीसरी प्रॉपर्टी की यदि हम बात करते हैं तो ये होती है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब है कि यदि हम इस लाइट को देखते हैं तो ये लाइट जो है शुरू से आखिर तक एक एम्पलीट्यूड पे जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी शुरू से लेकर आखिर तक सेम होगी। पर यदि वो डाइवर्ट होती है या फिर वो डाइवर्ट सॉरी डाइवर्ट तो नहीं होगी, ये जब अगर उसके बीच में दो वेव्स के बीच में अगर एंगल आता है तो वो एंगल स्टार्टिंग से लेके एंड तक के कॉन्स्टेंट चलेगा। तो कोहेरेंट आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज दिस आर द सिग्नल्स विच हैव सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है किसकी, लेजर की, कि वो नॉन डाइवर्जेंट होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है, कोहेरेंट होता है और हाईली इंटेंस्ड होता है।
हाईली इंटेंस्ड का मतलब कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. अगर हम नॉर्मल लाइट से कंपेयर करें तो नॉर्मल लाइट हमारी, जैसे अगर हमने ट्यूबलाइट भी ले लिया तो ट्यूबलाइट में हमें पता है कि अगर एक कॉर्नर पे लाइट लगी हुई है दीवार के, तो दूसरे कॉर्नर तक वो उतनी लाइट नहीं पहुंचा पाएगी जितनी उस दीवार, जिस दीवार पर वो लगी है. लेकिन अगर हम लेजर की बात करते हैं तो लेजर जहां से हम स्टार्ट होता है उसका जो भी सोर्स है उससे लेकर हम अगर उसके डेस्टिनेशन तक लेके जाए तो उसकी इंटेंसिटी स्टार्टिंग से लेकर उस डेस्टिनेशन तक के सेम रहती है. इसलिए हमारा कैसा है, लेजर हमारा हाईली इंटेंस नॉन डाइवर्जेंट मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट टाइप ऑफ अ बीम होती है, है ना. जो किससे प्रोड्यूस होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन से लेजर बीम प्रोड्यूस होगी. उसको हम एम्पलीफाई करेंगे और एम्पलीफाई करने के बाद एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से हम इसको रेडिएट करेंगे जिससे वो मोनोक्रोमेटिक बीम कहलाएगी. अब हम इसके प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल स्टडी कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास एमिशन या स्टिमुलेटेड एमिशन जो हमने देखा उसका प्रिंसिपल एग्जैक्टली वो होता क्या है. अब हम बात करते हैं एमिशन की. एमिशन का मतलब होता है कि एमिट करना. एमिट करना, कोई बॉडी यदि अपने अंदर से कुछ चीज को एक्सक्रीट करती है या एमिट करती है तो वो कहलाता है एमिशन. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि स्पंज अगर वो पानी में डूबा हुआ है, यदि हम स्पंज को स्क्वीज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वो पानी बाहर आएगा तो वो एमिट करेगा हमारे पास वॉटर को. लेकिन स्पंज की क्वालिटी क्या, उसके अंदर वॉटर था तो उसने वॉटर को एमिट किया. तो यहाँ पर एमिशन में क्या होगा, जो हमारा लेजर पहले से एब्जॉर्ब करेगा. तो सबसे पहले हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद फिर एमिशन होगा. यहां पर एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो है दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो एमिशन भी कुछ नहीं होगा. यहां पर एब्जॉर्प्शन एग्जैक्टली होता क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है यहां पर एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. फोटोन के फॉर्म में एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है. और जब एमिशन की बात करें तो ये हमारे पास एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हुई है. एमिशन की बात करें तो वो एनर्जी को एमिट करेगा फोटोन के फॉर्म में, जिसकी हमारे पास एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू. फोटोन की एक एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू. तो एच न्यू को वो एब्जॉर्ब करता है और एच न्यू को एमिट करता है. जरूरी नहीं है सिंगल फोटोन हो, उसके पास अनगिनत फोटोन हो सकते हैं जिसको वो एब्जॉर्ब करेगा और साथ में उसको एमिट करेगा. तो जब एब्जॉर्प्शन होता है तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस से एब्जॉर्प्शन होगा. तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो स्टेट है. लोअर स्टेट है हमारे पास एटम्स हैं. लोअर स्टेट हमने इसको मान लिया ग्राउंड स्टेट, जिसको आप E1 से डिनोट कर दीजिए. और नेक्स्ट एनर्जी स्टेट है, इसको आप E2 से डिनोट कर दीजिए. यदि हमारे पास इसमें फोटॉन्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं H new, तो ये एटम्स क्या होंगे, एनर्जी गेन करेंगे और हायर लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे. तो ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्प्शन में प्रोबेबिलिटी अगर देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो एटम्स कहां जा रहे हैं, हम पी से तो प्रोबेबिलिटी डिनोट करते हैं. एब्सॉर्प्शन में एटम्स जा कहां से रहे, फर्स्ट से सेकंड पे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम्स मूविंग फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू सेकंड लेवल मींस लोअर टू हायर लेवल, लो लेवल से हायर लेवल पे. कोई भी एटम एनर्जी गेन करेगी तो गेन करके कहां जाएगी, लोअर से हायर पे जाएगी. तो जो प्रोबेबिलिटी होगी That will be proportional to the density of the state. ये एनर्जी है, ये भी एनर्जी लेवल है. इस लेवल की डेंसिटी अलग होगी, इस लेवल की डेंसिटी अलग होगी. तो ये जो लेवल हमारे पास जा रहा है, कोई भी एटम यदि ग्राउंड स्टेट पे है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इस लेवल की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा. अगर वो एटम हायर लेवल पे चला गया और जाके बैठ गया तो उसकी जो डेंसिटी है वो इस लेवल की होगी जो E2 लेवल की एनर्जी है उसके बेस पे. तो प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, यू म्यू, ये डेंसिटी ऑफ द स्टेट. यू म्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ द स्टेट, जिस भी स्टेट में वो एटम है या जा रहा है. जब ये जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी डेंसिटी है, इट इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये हमारा फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है. अब आगे हम ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे तो हम इसमें प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगा देंगे B12, क्योंकि B
हमारा लोअर से हाई लेवल पे जाएगा और ये बी वन टू प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आप बोल सकते हैं, इनको आइंस्टाइन ने दिया था, जिसको हम कहेंगे आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ये तो आपका एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट था। अब हम बात करेंगे एमिशन की। एमिशन का मतलब होता है टू एमिट, एमिट कर रहा है यहां पर एनर्जी। अब यहाँ पे जो एनर्जी एमिट हो रही है उसका यूज करके हम अपना लेजर बीम प्रोड्यूस करेंगे। तो जो लेजर बीम प्रोड्यूस होगी वो हमें सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हुए प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे हमारे पास एमिशन की बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरह के एमिशन हैं। पहला हमारे पास है स्पॉन्टेनियस एमिशन और दूसरा हमारे पास है स्टिम्युलेटेड एमिशन। तो एमिशन की बात हम कर ले, एमिशन एमिट्स एनर्जी। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एमिशन की। सबसे पहले हमारे पास है स्पॉन्टेनियस एमिशन और दूसरा हमारे पास है स्टिम्युलेटेड एमिशन। तो जो हमारे पास स्टिम्युलेटेड एमिशन है वो प्रिंसिपल है, स्पॉन्टेनियस एमिशन इसका प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसके कारण हमारे पास लेजर बीम प्रोड्यूस नहीं होती है। तो चलिए पहले हम स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में देख लेते हैं कि इसमें एक्जेक्टली ड्रॉबैक क्या है। तो हम बात करते हैं कि हमने दो एनर्जी लेवल जो कंसिडर किया था एब्जॉर्प्शन के टाइम पे, वही हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। हमारे पास एनर्जी जो बाहर से मिल रही है, एक्सटर्नल एनर्जी एच न्यू की फोटोन के फॉर्म में, वो एटम्स जब गेन करेगा तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन बहुत सारे एटम्स इसमें ऐसे होंगे वो ऊपर ईट ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे कितनी भी वो एनर्जी गेन कर ले। तो वो एटम कहाँ रहेंगे, इन दो एनर्जी लेवल के बीच में रहेंगे। तो ये जो एटम है एनर्जी गेन करेंगे, गेन करने के बाद E2 तक जाने की कोशिश करेंगे पर वो नहीं जा पाएंगे, तो उनकी अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी क्योंकि वो ना तो E1 पे है ना वो E2 पे है। तो अनस्टेबल स्टेट पे ये रहेंगे और कोशिश करेंगे कि एनर्जी को और गेन करें और E2 पे चले जाए, पर वो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो एटम नीचे वापस आएंगे E1 लेवल पे। तो ये वेट करेंगे 10^-8 सेकेंड के लिए ऊपर जाकर, जैसे इस पोजीशन पर पहुंच गए तो 10^-8 सेकंड तक ये वेट करेगा कि उसको और एनर्जी वो एब्सॉर्ब कर सके, पर एटम जब नहीं कर पाएगा तो इतने सेकंड रुकने के बाद एटम वापस नीचे की तरफ E1 लेवल की तरफ वो मूव होगा और एनर्जी जितनी उसने गेन की थी वो रिलीज कर देगी। मान लो इन्होंने इसमें जो चारों एटम है वो एनर्जी गेन करता है H μ1 H μ2 H μ3 H μ4, क्योंकि चारों अलग अलग एनर्जी लेवल पे है। तो जब वो एटम 10^-8 सेकंड तक वेट कर लेंगे, उसके बाद जब वो अपनी एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट पर आएंगे तो इतनी एनर्जी वो रिलीज करेंगे, जितनी गेन की थी उन्होंने उतनी ही एनर्जी को वो रिलीज करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए एच तो कॉन्स्टेंट है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, यहाँ जो फ्रिक्वेंसी आपको μ1 μ2 μ3 μ4 चार अलग अलग फ्रिक्वेंसी मिल रही है चारों एटम्स की, तो वो चारों जब कंबाइन हो करने की आप कोशिश करेंगे तो वो कंबाइन नहीं होंगे क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई तो हमारी जो कोहेरेंसी की प्रॉपर्टी है, जो कि लेजर की एक वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टी है, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जितनी भी आपको एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इट इज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और कोहेरेंस क्या कहता है कि हमारे पास सिग्नल को या हम एनर्जी को तब हम कोहेरेंट बोलते हैं जब उसके पास सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। पर यहाँ पर जो लाइट एनर्जी एमिट हो रही है एटम्स के कारण दैट हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सो नॉन कोहेरेंसी प्रोड्यूस हो जाती है, नॉन कोहेरेंट बीम प्रोड्यूस होगी और ये बीम जो होगी लेजर नहीं होगी, इट विल नॉट बी अ लेजर बीम। तो आपका यहाँ पे लेजर बीम प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है इट इज अ नॉन कोहेरेंट टाइप ऑफ अ बीम, तो वो बीम आपकी लेजर बीम नहीं होगी। पर जो एटम है आपके एनर्जी गेन कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाने के बाद अनस्टेबिलिटी के कारण नीचे आ रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो देयर कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द एटम्स। क्यों? क्योंकि ना उनके पास E1 है और ना ही उनके पास E2 है, दोनों कंडीशन में ना तो
उनके पास कोई भी स्टेट नहीं है, ना E1 की स्टेट है और ना E2 की स्टेट है, तो वो दोनों के बीच में है. तो यहाँ पर कोई भी प्रोबेबिलिटी हम बोलना चाहें स्पॉन्टेनियस की तो वो हमको नहीं मिलेगी. पर एटम एनर्जी गेन करके ऊपर जाते हैं और एनर्जी रिलीज करके नीचे आ रहे हैं, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन जिसको हम A12 से डिनोट करते हैं. तो सॉरी A21 से डिनोट करेंगे क्योंकि एटम नीचे आते हैं तब हमें एनर्जी मिलती है. तो फ्रॉम 2 to 1 ये हमारे पास इसका कोएफिशिएंट है जो आइंस्टाइन ने दिया था और इसका नाम है आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन. इसको हम कहेंगे आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन. जबकि हमारे पास जो स्टिम्युलेटेड एमिशन है उसमें एटम क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे और गेन करने के बाद हायर एनर्जी लेवल पे जाके स्टेबल होंगे. कहने का मतलब ये है कि हम स्टिम्युलेटेड एमिशन में उन्हीं एटम्स को कंसिडर करते हैं जो हायर एनर्जी लेवल पे जाके स्टेबल हो जाते हैं. अब हमने मान लिया यहाँ पर हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं E1 और E2. अब जो एटम्स हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है वो एनर्जी गेन कर रहे हैं और E2 पे जाके इजीली वो सेटल हो जा रहे हैं. जब वो सेटल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे. और जब स्टेबिलिटी यहाँ पे एटम को मिल जाती है, फोटोन ये इन्होंने ये गेन किया और इनको स्टेबिलिटी मिल गई, ये ऊपर जाके स्टेबल हो जाएंगे, मींस एनर्जी लेवल E2 पे पहुंच गए. जब E2 पे पहुंच गए हैं वो, तो वहां जाके कंफर्टेबली वो बैठ जाएंगे. और जब तक उनको हम जबरदस्ती धक्का मार के नीचे नहीं भेजेंगे या उसको अनस्टेबल नहीं करेंगे, तब तक के एटम वहीं के वहीं स्टेबल रहेंगे. तो जितने भी एटम्स हैं ये ऊपर जाके बैठ जाएंगे और ऊपर जाके बैठने के बाद उनको वहां से एक्सटर्नल हमें EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इससे कि वो एटम्स अनस्टेबल हों. और अनस्टेबल होने के बाद एटम E2 से E1 पे आए और जब वो E1 पे आएंगे तो अपने एनर्जी रिलीज करेंगे. तो हर एटम की एनर्जी जो रिलीज होगी वो H nu होगी क्योंकि दोनों का सभी के चारों के एटम्स की एनर्जी कितनी है, उसके पास E2 है, तो E2 ही रिलीज होगी. तो यहाँ पे कोहेरेंट की जो प्रॉब्लम हमें स्पॉन्टेनियस में देखा था वो यहाँ पर नहीं मिलेगी. तो हमारे पास यहाँ पे कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक हाईली इंटेंस और नॉन डाइवर्जेंट टाइप ऑफ बीम प्रोड्यूस हो जाएगी. अब यहाँ पर जो हमारे पास एटम है जब वो नीचे से ऊपर जाते हैं तो दोनों ही केस में उनके पास डेंसिटी ऑफ द स्टेट है. जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम्स मूविंग फ्रॉम 2 to 1, अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा क्योंकि 2 से 1 पे आ रही है और एनर्जी एमिट होके हमें बाहर मिल रही है. तो यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द स्टेट, जैसे हमारा एब्जॉर्प्शन में था. पर यहाँ पर हमारा एटम क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है. यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा P21 will be equal to B21 U. तो यहाँ पे B21 क्या हो जाएगा, ये आइंस्टाइन ने दिया है ऑब्वियसली, तो इसका नाम भी क्या होगा, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ किसका है, स्टिम्युलेटेड एमिशन, स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ये हमारा आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है. ये तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है जो हम सोच रहे हैं कि हमारे पास स्टिम्युलेटेड एमिशन इस तरह से काम करेगा. पर सवाल ये उठता है कि क्या इस स्टिम्युलेटेड एमिशन में स्पॉन्टेनियस एमिशन होने वाले एटम्स का कोई रोल नहीं होगा. बिल्कुल होगा. क्यों? क्योंकि एटम जो है वो ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाने के बाद एनर्जी को गेन कर रहे हैं और एनर्जी को गेन करने के बाद हमारे पास नीचे जब आएंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे. भले वो एनर्जी H nu के बराबर नहीं हो, इससे कम हो या इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो इसका इफेक्ट बोथ इन द पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस
हो सकता है. तो एक्चुअल में आपके पास जो स्टिम्युलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी होगी वो P21 विल इंक्लूड कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन A21 प्लस B21 यू मीन एग्जैक्टली दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ जो आपको आगे लेजर बीम प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी. दिस इज ऑल फॉर टुडे फॉर इन द इंट्रोडक्शन. अब इसके बाद हम आगे चल के A21 बाय B21 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे. मींस हमारे पास जो एमिशन के कोएफिशिएंट्स हैं उसका हम रेशियो निकाल लेंगे और हम देखेंगे कि उसकी जो वैल्यू है जो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी, जो फ्रीक्वेंसी का क्यूब है उसके प्रोपोर्शनल हमें मिल जाएगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू व्यूअर्स.